फुटबॉल एक ऐसा खेल है जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखा जाता है और खेला जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं इंडियन फुटबॉल टीम के खतरनाक प्लेयर और कैप्टन सुनील छेत्री के बारे में। सुनील छेत्री को तो आप सब जानते ही होंगे, इन्होंने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इनकी लाइफ स्टाइल और बायोग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं। आखिर ये कैसी लाइफ जीते हैं और कितना स्ट्रगल किया है इस मुकाम को हासिल करने के लिए, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सुनील का रियल नेम सुनील छेत्री है और प्यार से इन्हें भाई बुलाते हैं। सुनील छेत्री प्रोफेशन से एक इंडियन प्रोफेशनल फुटबॉलर है। सुनील छेत्री का जन्म 3 अगस्त 1984 को सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश इंडिया में हुआ और 2020 के हिसाब से ये 36 साल के हैं। सुनील के पिता और माता नेपाल के रहने वाले थे, लेकिन बाद में वो भारत आ गए। सुनील के पिता इंडियन आर्मी में थे, तो वहीं इनकी माँ फुटबॉल प्लेयर थी। पिता के आर्मी में होने के कारण सुनील को भी अलग अलग जगह पर जाना पड़ता था। इसी वजह से सुनील ने कई स्कूल से अपने स्कूल की पढ़ाई की और आगे की पढ़ाई करने के लिए इन्होंने आशुतोष कॉलेज कोलकाता में एडमिशन ले लिया, लेकिन एशियन स्कूल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट लेने के लिए इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और यहीं से इनके फुटबॉल करियर की शुरुआत हुई। सुनील ने अपने करियर की शुरुआत दिल्ली सिटी एफसी के साथ खेलकर 2001 में की, लेकिन इनके करियर में चार चांद जब लगे जब 2002 में इन्होंने कोलकाता क्लब मोहन बागान के लिए खेलना शुरू किया। इस क्लब के साथ इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, इन्होंने 3 साल में 18 मैच में सिर्फ 8 गोल करे थे और 2005 में सुनील इस क्लब को छोड़कर जे सिटी चले गए। फिर 2008 में वे जे सिटी को छोड़कर ईस्ट बंगाल के लिए खेलने लगे और इसके बाद 2009 में डेम्पो के लिए खेला और 2011 में नए क्लब चिराग यूनाइटेड को ज्वाइन कर लिया और 3 साल बाद बेंगलुरु फुटबॉल क्लब के साथ जुड़े और 2015 में मुंबई सिटी ने इन्हें इंडियन सुपर लीग के लिए हायर कर लिया। बात करें इनके इंटरनेशनल करियर की, तो इन्होंने 2004 में पाकिस्तान में आयोजित हुए एशिया खेल में 20 टीम के लिए खेलकर की, लेकिन एक साल बाद जून 2005 में इन्होंने अपना पहला गोल इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के लिए पाकिस्तान के खिलाफ किया। वैसे सुनील का पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2007 नेहरू कप था, जिसमें इन्होंने 4 गोल किए और भारत को 1997 के बाद पहली जीत दिलाई और यही इनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था और इसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और गोल पर गोल करते चले गए। इन्होंने 2008 में AFF चैंपियनशिप में खेलकर टीम को फाइनल तक पहुंचाया और 2012 में मलेशिया में होने वाले AFC चैलेंज कप क्वालिफिकेशन में इन्हें टीम के कैप्टन बनाया गया और अगस्त 2012 में सुनील का नेहरू कप में बहुत बड़ा योगदान रहा है और 2019 में इन्होंने मकाऊ के खिलाफ AFC एशियन कप क्वालिफाई में खेला। सुनील के नाम कई रिकॉर्ड हैं, इन्होंने 2018 में इंटरनेशनल मैच के फाइनल में केन्या के खिलाफ 2 गोल करके भारत को जीत दिलाई। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना सुनील छेत्री आपको कैसे लगते हैं। चलिए मिलवाते हैं आपको सुनील छेत्री की फैमिली से। तो इनके फादर का नाम है KB छेत्री और इनकी मदर का नाम है सुशीला छेत्री और इनकी एक सिस्टर भी है जिनका नाम है वंदना छेत्री। बात करें इनकी वाइफ के बारे में, तो दोस्तों इन्होंने 2017 में सोनम भट्टाचार्य से शादी की। बात करें इनके हाउस के बारे में, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सुनील छेत्री बेंगलोर कर्नाटका में रहते हैं, जैसे कि इन पिक्चरों में आप इनका घर देख सकते हैं और ये यहाँ पर अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते हैं। बात करें इनके कार्स कलेक्शन के बारे में, इनके पास कौन कौन सी कार है, तो इनके पास फर्स्ट कार है मारुति सुजुकी CR जिसकी कीमत है 9 लाख रुपीज और इसके अलावा इनके पास मारुति सुजुकी S4 भी है जिसकी कीमत है 10 लाख रुपीज और लास्ट कार इनके पास है ऑडी A6 जिसकी कीमत है 55 लाख रुपीज। बात करें सुनील छेत्री के इनकम के बारे में, तो दोस्तों इन्हें एक मैच खेलने के लिए मिलते हैं 8 लाख रुपए और ज़्यादातर इनकी इनकम ब्रांड इंडोर्समेंट से होती है और ये काफ़ी ब्रांड को इंडोर्स करते हैं जिसके लिए ये चार्ज करते हैं 1 से 2 करोड़ रुपए। बात करें इनके नेटवर्थ के बारे में, तो दोस्तों इनका नेटवर्थ है 10 करोड़ रुपए। तो ये थी सुनील छेत्री की लाइफ स्टाइल वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो कर देना लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।